Do you guys realize the most helpless you feel as a husband is? Do you guys realize that your wife is the only person in this world who will say bad things about your mother on your face? Like, sun kami ne apni maa ke baare to sun abhi tak. Sleeveless nahi pehen sakte. नहीं, जस्ट बिकॉज तेरी मम्मी के बाइसेप्स लटकते रहते हैं, इसका लेने की हम भी नहीं पहन सकते ना? हम जाते हैं जुम्बा. अरे यार, मुझे आज तक समझ नहीं आ रही हमारे इंडियन मिडिल क्लास घरों में ये बहू की स्लीवलेस का इतना बड़ा इशू क्यों बना हुआ है यार. और सबसे ज्यादा स्लीवलेस के अगेंस्ट होती है कोई तो 80 साल की परदादी होती है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही यार. तो यमराज रोज अपनी भैंस लेकर उनको पिकअप करने आता है, लेकिन वो है कि यमराज को ओटीपी नहीं दे रही. और ये जो 80 साल की परदादी होती है ये स्लीवलेस के इतनी अगेंस्ट होती है कि अगर कल को बहू टाइटैनिक में होती और टाइटैनिक डूब रही होती तब भी ये बहू को लाइफ जैकेट नहीं पहनने देती. तो यार, कुछ जोक्स में आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा यार, ठीक है? हर चीज स्पून फीड नहीं करने वाला हूं मैं. यहाँ पे महेश ट्यूटोरियल्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? और आपने देखा ये जो हमारी ऊपर वाली जनरेशन है ना, मम्मी पापा वाली जनरेशन, इनको अगर कोई भी आर्गुमेंट जीतना होता है ना, इनकी स्ट्रैटेजी होती है आज कल और परसों, तो ये चीज को खींच देते हैं मतलब. अरे बहू बोल रही है स्लीवलेस पहने को, अरे ऐसे कैसे कंट्रोल में रखो यार. स्लीवलेस पहनेगी कल, बैकलेस पहनेगी परसों, टॉपलेस घूमेगी. टॉपलेस घूमेगी. एक तो इनको लगता है कि बहू इनके घर में ना एक्सपोजर के लिए आई हुई है, मतलब कि उसका किंगफिशर कैलेंडर का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा था. तो उसको लगा भी अग्रवाल जी के वहां से वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूं मैं. I just hope कोई इन-लॉस के साथ नहीं आया यार. जाते वक्त बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा. तुम जानबूझ के शो में लेके गई थी ना, तुमने फ्राइडे को पहले ही देख लिया था ना. बट आपने देखा इंटरनेट पे ना इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, आपने देखा? हाँ मैम, हम इंटरनेट पे किसी भी कंट्री की ले लेते हैं यार, क्योंकि एक तुम्हारी पॉपुलेशन ज्यादा है और फ्री टाइम तुम्हारे पास सबसे ज्यादा है. तो कुछ भी लिखते हैं इंटरनेट पे यार. तो बीच में कुछ तो इंडिया अमेरिका में टेंशन हुई 2 साल पहले, तो हम इंटरनेट पे ये सारे मीम्स बना के सर्कुलेट कर रहे हैं. अमेरिका अपनी औकात में रहे, जितना तुम्हारे पास तेल के कुएं नहीं है ना, उससे ज्यादा तेल तो मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ा देते हैं. हम लाइक चूतिए, इस सरसों के तेल की बात नहीं हो रही है. भाई, यूएस ने इराक पे अटैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनको थैंक्स गिविंग के पकौड़े तलने थे, मतलब. ठीक है, कुछ भी मत लिखो जियो यूजर. हम लोग इंटरनेट पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले ही नहीं पाते. एक साल पहले कुछ तो हम इंग्लैंड में वनडे मैच सीरीज खेलने गए, बुरी तरह हारे हम लोग, बहुत ही घटिया खेले सर. लास्ट बॉल पे हमको 122 रन चाहिए थे. और आशीष नेहरा बैटिंग पे था. तो मैच के बाद वहां के इंग्लिश कमेंटेटर ने ट्वीट किया कि इंडियंस वर आउटप्लेड इन द फील्ड टुडे, नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, डिसअपॉइंटिंग. तो उस पे जाके हमारे बंदे कमेंट कर रहे, चुप कर लुटेरे. पहले हमारा कोहिनूर वापस कर. अब बंदे का लोकेशन दिखा रहा है गाजियाबाद. लाइक यार, तू किस बात का कोहिनूर मांग रहा है यार? नहीं, तुझे कुछ मांगना है तो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मांगना यार, अपने काम की चीजें मांगो ना यार.
आपको पता है गाजियाबाद में इतनी बिजली जाती है, वहां पे लोग इलेक्ट्रिक गिटार जनरेटर पे बजाते हैं। सच में मैं वहां पे कॉलेज शो करने गया था, वहां पे रॉक बैंड का नाम था इन्वर्टर्स। हमारा कोहिनूर वापस करो यार। एक तो ये इंडिया की पब्लिक ना हमारा कोहिनूर वापस करो तो ऐसे हक से मांगती है जैसे उनका पर्सनल कोहिनूर ले गए थे अंग्रेज। जैसे एक दिन उनकी वाइफ कोहिनूर का पेंडेंट पहन के गाजियाबाद में घूम रही थी, पीछे से बाइक पे दो जेब कतरे आए, लॉर्ड माउंटबेटन और जनरल डायर। और एकदम से जनरल डायर की नजर आंटी पे पड़ी क्योंकि आंटी ने स्लीवलेस पहनी हुई थी। फिर उन्होंने चेंज कीजिए और वो लंदन ही चले गए बाइक पे। और जब ये चोरी हो रही थी तो मोहम्मद जीना साइड में खड़े खड़े रूह अफ़ज़ा पी रहे थे। मतलब उन्होंने आंटी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया, उल्टा जिन्ना आंटी के क्लीवेज की तरफ देख रहे थे वो, क्योंकि उनको पार्टीशन पसंद है। आप लोगों को पार्टीशन में मजा आया नहीं? देखा, मुझे सच में टेस्ट पता है आप लोगों का, मैं ब्लफ नहीं कर रहा था। But you know, we are at our worst internet behavior when it comes to Pakistan. हमने देखा पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी senseless type कर देते हैं और बदले में पाकिस्तान और भी senseless type करता है। वहां पे ऐसा लगता है 1947 में हमारे IQs का भी बंटवारा हो गया था उधर, 19 उनका 47 हमारा हो गया। तो एज यूजुअल पाकिस्तान ने बॉर्डर पे कुछ बदमाशी की तो व्हाट्सएप पे हम ये सब सारे फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं। ये आप सबको आया होगा, पाकिस्तान अपनी औकात में रहे हा? अगर आप सब हिंदुस्तानियों ने एक साथ बॉर्डर पे मुद दिया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। और मैं सोच रहा हूं कल को युद्ध हुआ तो इस आदमी का प्लान है ये है, मतलब ये है इसकी अग्नि मिसाइल। कि ये 1.2 बिलियन लोगों को एक साथ बॉर्डर पे इकट्ठा करेगा और हम सब पाकिस्तान की तरफ एम लेके मुतेंगे वहां पे। मतलब ये है ऑपरेशन विजय, ये मुतेंगे हम। और मैं सोच रहा हूं अगर वह पीछे से चाइना ने मुद दिया तो हम भी तो बजाएंगे फिर। प्लस चाइना तो हाइट पे भी है, सीधा मुंह में मुतेगा हमारे। फिर पीना बैठ के मंचाओ सूप उधर। थैंक यू, आई टोटली डिजर्व इट। लेकिन आपने देखा हम लोग चाइना से पंगे नहीं लेते। देखो चाइना से हमारी थोड़ी सी फटती तो है। देखो वो जब हम 62 के वॉर में हारे, जब वो ड्रॉ हुआ था, तो जब चाइना बॉर्डर पे बदमाशी करता तब युद्ध की बात नहीं होती हमारे यहाँ पे। मेरे को अलग ही मीम बन के आया मेरे को एक, चाइना अगर अपनी माँ का दूध पिया ना तो क्रिकेट के मैदान में लड़के बताओ। उनकी क्रिकेट टीम है भी नहीं। और मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा अगर अपनी माँ का दूध पिया ये थ्रेट क्यों है, गाली क्यों है? हर कोई अपनी माँ का दूध ही पीता है यार। निलेश, राइट? इसमें क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन है लोगों को? ऐसा थोड़ी चाइना में लोग चाची का दूध पी रहे हैं यार। ग
गेम ऑफ थ्रोन्स थोड़ी चल रहा है, कोई किसी का भी दूध पी लेगा यार।